अभी फर्दर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अभी तो जो जो भी था वो फॉर्मूलेज के बेस पे थे। अभी आएंगे कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स कि आपने एक चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर दिया विद वेलोसिटी वी। जैसे कि समझो इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैंने अभी बताया था पहले ही कि अंदर की तरफ है, तो आपने इसको ऐसा थ्रो कर दिया, तो इसका मूवमेंट कैसा होगा वो हम भी अब लोग देखेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड के केस में तीन मूवमेंट्स पॉसिबल है, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, हेलिकल। तीन मूवमेंट्स ही पॉसिबल है। या तो चार्ज आपने जो छोड़ा वी वेलोसिटी से, वो वी वेलोसिटी से जाता रहेगा, या तो वो एक सर्कल घूमेगा, या तो वो सर्कल के जगह हेलिकल घूमेगा, ऐसा 3D में ऐसे घूमेगा। मतलब आपने इधर से छोड़ा, वो आगे भी बढ़ रहा है, सर्कल की घूम रहा है, ऐसा 3D ये हो जाएगा। तो क्या होगा, कब होगा, वो देखते हैं अभी। देखो जब भी सबसे पहले फोर्स ऑन चार्ज निकाल देते हैं पहले, तो अभी आपका आइडिया आ जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्जेस क्यू वी बी, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड उसका। बट मैग्नेटिक फोर्स इज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो क्यू क्यू तो स्केलर है, वी क्रॉस बी ये हो जाएगा। अगर आपको चार्ज दिया है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड दिया है, और उसके बीच में थीटा भी दिया है, इट इज़ एट 30 डिग्री फ्रॉम दिस 30, तो आप डायरेक्टली ये भी यूज़ कर सकते हो, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैक्सिमम जब भी साइन थीटा हो जाएगा 1, ये मैक्सिमम मैग फोर्स वैसा। तो हम लोग नॉर्मली 90 डिग्री लेके चलते हैं। देखो अगर चार्ज को आपने, ये इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड है, या तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, पर 0 डिग्री पे, अगर चार्ज को आपने 0 डिग्री या 180 डिग्री पे छोड़ा, ओके समझो मैग्नेटिक फील्ड एक ही जगह है, ओके मैग्नेटिक फील्ड, वेट, समझो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और आपने चार्ज को भी उसी डायरेक्शन में फेंक दिया, तो दोनों के बीच में ये हो गया क्यू अपना, तो क्यू और वी के बीच में वेलोसिटी तो ये है, वेलोसिटी हम लोग ने इलेक्ट्रॉन को यह दिया है, क्यू तो है ये है, तो वेलोसिटी और बी के डायरेक्ट बी का बीच का एंगल कितना है, 0, क्योंकि पैरेलल्स हो गए। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है और आपने इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दिया, तो थीटा कितना हो जाएगा, 180। तो दोनों ही केस में फोर्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है साइन 0 और साइन 180 इज इक्वल टू 0। तो जब ये मैं इधर सब्सटीट्यूट करूंगा क्यू वी एम और क्यू वी बी, साइन थीटा के जगह पे 0 और 180 लिखूंगा, तो फोर्स 0, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 है, क्योंकि फोर्स लग ही नहीं रहा है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि मतलब एक मोशन, जो भी एक बॉडी एक मोशन में रहेगा, कंटिन्यू रहेगा मोशन में, अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, तो ये तो चलते ही रहेगा। तो जो हम लोग ने चार्ज इलेक्ट्रॉन फेंका है, वो वी वेलोसिटी से चलते ही रहेगा, अगर इधर फेंका है तो इधर, इधर फेंका है तो इधर। तो 0 और 180 पे, तो मैंने बोला था तीन पाथ पॉसिबल है, याद करो, ए स्ट्रेट लाइन, बी सर्कुलर, थर्ड इज हेलिकल। तो ए वाला केस हम लोग ने इधर देखा कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ कब पॉसिबल है, जब भी थीटा इज इक्वल टू 180 या तो 0 डिग्री होगा, तो साइन 0 साइन 180 0 हो जाएगा, उस केस में फोर्स नेट 0 होगा, क्योंकि फोर्स नेट 0 है, तो चार्ज अपने ही दिशा में चलते रहेगा, क्योंकि वी वेलोसिटी से ही चलते रहेगा। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, तो इसके लिए खाली ये याद रखना है कि थीटा 0 या 180 होगा। अभी ये हो गया पार्ट ए, भी आते हैं पार्ट बी पे। बी पार्ट फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। अभी अभी ये कब पॉसिबल है, जब भी थीटा इज इक्वल टू 90 होगा। ओके समझो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और आपने इसको ऐसा फेंक दिया, तो वेलोसिटी ये आपको दिख रहा है कि एक एक लाइन में नहीं, देखो मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द पेपर है, पेपर के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर है, तो हम लोग ने क्रॉस से दिखाया। तो जब भी हम लोग ऐसा डायग्राम बनाने जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, अगर एक्सिस के हिसाब से ले लेंगे तो ये एक्स, ये वाई, ये जेड। तो मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर है, ये अपना पेपर का प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जेड में, तो पेपर के अंदर हो गया ये, और वेलोसिटी कितना हो गया, एक्स पॉजिटिव एक्स में, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। वैसे ही तो इस केस में अभी क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन कैसे होगा देखते हैं।
अभी आपने सर्कुलर अगर पढ़ा रहेगा तो फॉर अ सर्कुलर मोशन सेंट्रिपिटल फोर्स इज नेसेसरी। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर। एक सेंट्रिपिटल फोर्स होना चाहिए जब भी आप एक स्ट्रिंग को घुमाते हो विद दिस हेल्प ऑफ दिस। तो एक टेंशन टेंशन काम करता है जो आप एक अगर स्ट्रिंग में पत्थर बांध के घुमाओगे तो टेंशन विल एक्ट एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स। तो यहाँ पे भी सेंट्रिपिटल फोर्स होना चाहिए कुछ सर्कुलर मोशन के लिए। वो सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कौन करेगा? दिस मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता रहेगा इसमें? क्यू वी बी, क्यू वी बी साइन थीटा साइन जीरो हो जाएगा, सॉरी साइन 90 वुड बी वन। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? एफ एम इज क्यू वी बी। तो सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। एक वी से एक वी कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा? एम वी बाय क्यू बी इज इक्वल टू आर। ये आर क्या है? रेडियस, किस रेडियस में घूमेगा। ऐसे आपको हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसके आपके रेडियस कंपेयर करेगा हीलियम और प्रोटॉन, सॉरी हीलियम न्यूक्लियर विच इज अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल का, ड्यूट्रियम इसका। तो मास और चार्ज के बेस में आपको बहुत सारे कंपेयर करेंगे। तो रेडियस का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया ये हमें पता चल गया। बस रेडियस का फॉर्मूला याद रखने की फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि एम वी स्क्वायर को एम वी स्क्वायर बाय आर को क्यू वी से मल्टीप्लाई कर दो, क्यू वी बी से, बी से वी कैंसिल, आर को इधर ले लो, क्यू बी को नीचे ले लो, तो एम वी बाय क्यू बी हो गया। ये हो गया अपना रेडियस। किस रेडियस पाथ, किस रेडियस मतलब ऐसा फेंका तो ये ऐसे कुछ घूमेगा तो इसका रेडियस कितना होगा, वो रेडियस निकाल दिया हमने। अभी आपको इधर फैक्टर दिख रहा है एम वी, देखना ये एम वी क्या हो गया? मास इनटू वेलोसिटी विच इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ये याद रखना मैं अभी जो बता रहा हूँ, अभी जो बता रहा हूँ वो आपको काम आएगा इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ के टाइम पे भी काम आएगा। कैसे? एम वी इज इक्वल टू पी, लीनियर मोमेंटम। तो हम लोग पी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? देखो इसको अगर हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर मैं m और m से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम हो गया। तो ये एम वी स्क्वायर क्या हो गया? हाफ पी स्क्वायर बाई एम। पी क्या हो गया? मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? टू एम ई का पी पी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इन मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज टू एम ई। अगर ई कन्फ्यूजिंग हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी लिख लो ऐसा, अंडर रूट ऑफ टू एम ई। ये रिलेशन आपको उधर भी डेरा पेना डी ब्रॉगली वेवलेंथ में, क्योंकि उधर भी मोमेंटम आता है, क्योंकि ऐसा होता है ना डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज एच बाई पी, मोमेंटम है। इसके बाद मास वेलोसिटी रख लो, फिर कभी काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा, कभी वेलोसिटी एक्सेलरेटेड दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा ऐसे। ओके तो ये हो गया। तो इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी था अपना फॉर्मूला। एम वी क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम के जगह पे ये डाल सकते हैं हम लोग, तो टू एम के ई अपॉन क्यू बी, ये हो जाएगा अपना एक नया फॉर्मूला R is equal to 2mke by under root of 2mke by qb। ये हो जाएगा और एक फॉर्मूला। ओके ना, अगर ke काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? चार्ज इनटू वेलोसिटी एक्सेलरेटेड, या पढ़ोगे वापस उसमें मॉडर्न फिजिक्स में, तो R की जगह हम लोग लिख देंगे 2mke की जगह क्या आ जाएगा? q इनटू वेलोसिटी एक्सेलरेटेड अपॉन qb। ठीक है, ये हो जाएगा कुछ। फिर ये हो गया अलग अलग फॉर्म्स ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी, अलग अलग फॉर्म्स हो गए। अभी तक हम लोग सर्कुलर वाला ही पढ़ रहे, बी बी वाला, उसमें और कुछ है? देखो अभी हमें पता चल गया आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। अगर आपको कोई वेलोसिटी पूछ ले तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? क्यू बी आर बाई एम। क्यू बी को इधर ले लो, एम को नीचे ले लो, वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अभी टाइम पीरियड क्या होगा? कितने टाइम में एक सर्कल कंप्लीट करेगा? एक सर्कल का रेडियस क्या है? 2 पाई आर लेंथ। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन तो नहीं है, फोर्स कांस्टेंट है। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कितना है? स्पीड हमें पता है 2 पाई आर बाय वी। स्पीड का फॉर्मूला इधर डाल दो, या तो आर का फॉर्मूला इधर डाल दो, कुछ भी डाल दो। मैं आर डाल के देखता हूँ, आर क्या है? एम वी बाई क्यू बी, क्योंकि वो ईजी है, वी से वी कैंसिल। टाइम पीरियड आएगा 2 पाई एम बाय 2 पाई एम बाई क्यू बी। ये हो गया टाइम पीरियड। V का फॉर्मूला डाल देते थे, क्यू बी आर नीचे रहता था, R ऊपर जाता था, देखता हूँ वो भी डाल के 2 पाई आर, इधर V की जगह पे क्यू बी आर इंटू एम, आर से आर कैंसिल, 2 पाई एम बाई क्यू बी आर, वही आ गया। वही मैंने बोला R का फॉर्मूला डालो या इसका, तो टाइम का भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सब डिराइव कर रहे हैं हम लोग इजीली दो दो स्टेप्स में।
ओके तो आपको याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है ना, हमें पता है टाइम भी इज 2π/ω, तो टाइम का फॉर्मूला क्या दिया, 2π m/qb इज इक्वल टू 2π/ω, तो 2π से 2π कैंसिल, ओमेगा क्या आ गया, qb/m, ओमेगा आ गया qb/m। ये सब पूछ लेते हैं, इंटर रिलेटेड है, ईजी है, पूछ लेते हैं कभी कभी। नाउ टाइम पीरियड हो गया, ओमेगा हो गया, फ्रीक्वेंसी पूछेंगे आपको, फ्रीक्वेंसी तो हो गया 1 बाई टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा qb/2πm, सिंपली उसका उल्टा। ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल क्यू कुछ भी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम के जगह एम एम रखो, वी ये है वी, इसका स्क्वायर डाल दो, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल, तो क्या हो गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। तो इतने सारे फॉर्मूला हैं, इतने सारे भी नहीं है, चार फॉर्मूलाज है बेसिक, काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, रेडियस, ये हो गया फॉर सर्कुलर। अगर आपका चार्ज 90 डिग्री पे फेंका गया है, सर्कुलर मोशन होगा, उसका रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी सब निकाल दिया हम लोग ने। नाउ फॉर थर्ड केस, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ के लिए क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एक्स वाई के डायरेक्शन में, अच्छा समझता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, जेड की तरफ, मतलब पेपर के अंदर है। अगर आपने इसको कुछ ऐसे वेलोसिटी से फेंका, ऐसे, ये जेड और एक्स के प्लेन में है, एक्स जेड के प्लेन में, अगर आपने इसको ऐसे वेलोसिटी से फेंका एट एन एंगल थीटा, तो कुछ कॉम्पोनेंट इधर आएगा, कुछ कॉम्पोनेंट इधर आएगा, तो इधर आ जाएगा वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा, और जाएगा वी साइन थीटा। अभी ये वी कॉस थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या कराएगा, क्या कराएगा, जो कंपोनेंट या तो जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, ये कराएगा सर्कुलर मोशन, और ये वी साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये क्या कराएगा, ये कुछ नहीं कराएगा, इधर तो फोर्स ही जीरो है, तो ये तो सिर्फ आगे बढ़ने का काम करेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा वी साइन थीटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये केस वन हो गया, ये केस टू हो गया, दो कंबाइंड हो गए हेलिकल पाथ में। तो इस केस में ये वी कॉस थीटा ऐसा सर्कुलर मोशन कराएगा, v cos theta will form a circular motion, sorry, इस प्लेन में नहीं, सर्कुलर मोशन इन विच प्लेन, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैंने वेलोसिटी दिया है कि एंगल थीटा पे, v cos theta हो गया, v sin theta हो गया, v cos theta ऐसा सर्कल कराएगा, v sin theta ऊपर ऊपर आएगा, तो आप ऐसे ऐसे करके आगे आगे जाओगे, तो ये x एक्सिस था, ये मैग्नेटिक फील्ड था ना, इधर आ गया v cos theta, v sin theta, v sin theta मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, v cos theta ऐसे ऐसे सर्कल कराते जाएगा, v sin theta ऐसे आगे 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 लेके चले जाएगा। ठीक है, तो ये पाथ हो गया हेलिकल का, तो हेलिकल पाथ बन जाएगा यहाँ पे। तो ये समझाना आपको, इसके फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट सेम है फॉर सर्कुलर, सिर्फ खाली थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जो कि हम देखेंगे अभी को। ओके, एक अच्छा सा डायग्राम बना दिया ताकि आपको समझे, ये एक्सिस हो गया आपने, मैंने ये एक्स जेड प्लेन में, ठीक है एक्स जेड प्लेन में, किधर भी प्लेन मान लो ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो वी है, ये थीटा है, तो वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा, तो वी साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल, ये वी परपेंडिकुलर है, ये वी पैरेलल है, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट जो पैरेलल है, वेलोसिटी का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है। तो अभी अगर आप देखो हमें पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या है, एम वी बाई क्यू बी, बट सिंस इधर हम लोग क्या पूरा वी नहीं ले सकते, तो इधर क्या आ जाएगा एम वी विच इज वी परपेंडिकुलर, मैं वी साइन वी कॉस नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ये थीटा दे दिया तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि इधर साइन क्या थीटा क्या रहे हैं। तो अगर ये थीटा दे दिया, ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, अगेन आप रिजॉल्व कर सकते हो, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो आएगा,
इस केस में हम लोग वी कॉस थीटा लिख सकते हैं वी परपेंडिकुलर, बट मैं नहीं लिख रहा हूँ टू अवॉइड कन्फ्यूजन. तो आर एम वी, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, सेम फॉर्मूला है, सेम है, खाली इधर वी के जगह उधर पूरा वी परपेंडिकुलर था मैग्नेटिक फील्ड के, यहाँ पे कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर. तो मैं वही लिख रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा वो कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का यहाँ पे आएगा. ओके ये बहुत जनरल फॉर्मूला का. टाइम पीरियड अगेन वही भी रहेगा 2 पाई एम बाई क्यू बी, क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है. फिर पिच, ये हो क्या होता है पिच? पिच वो होता है जो अब इधर तो वी, जो वी परपेंडिकुलर है, वी परपेंडिकुलर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन तो होता ही रहेगा. बट ये वी साइन थीटा, वी पैरेलल, वी साइन थीटा मतलब वी पैरेलल इन जनरल, जो वी वेलोसिटी पैरेलल है वो क्या करेगा, आगे आगे बढ़ते जाएगा. तो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ेगा जब तक ये सर्कल घूमता है, तो एक सर्कल में कितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा, मतलब देखो अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये सर्कल भी कर रहा है और ऊपर ऊपर भी जा रहा है ना. तो एक सर्कल घूमने का जितना टाइम है, उस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ऊपर ट्रैवल कर दिया, ऊपर नहीं तो कि आगे लीनियर मोशन में कितना ट्रैवल कर दिया, वो हो गया पिच. तो पिच हो गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला लगाएंगे. तो डिस्टेंस ढूंढना है हमें, स्पीड इंटू टाइम. तो स्पीड क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मिंग द पिच, पिच के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेलोसिटी पैरेलल, वेलोसिटी पैरेलल इंटू टाइम टी. ये टाइम टी इधर से उठा के इधर रख दो, इधर से नहीं इधर से उठा के इधर रख दो, तो पिच मिल जाएगा आपको. ओके ये हो गए इसके केसेस, यही तीन आते हैं, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, इसमें आएगा तो इतना ही आएगा, इसमें मैग्नेटिक मोमेंटम ये सब का कुछ लफड़ा नहीं करेगा. नेक्स्ट लॉरेंस फोर्स करके एक आता है, लॉरेंस फोर्स. लॉरेंस फोर्स क्या बोलता है, नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस नेट मैग्नेटिक फील्ड, बस इसका यही काम है, इतना ही है फॉर्मूला. इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हमें पता था, फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज. तो फोर्स आ जाएगा क्यू ई प्लस मैग्नेटिक फोर्स, अभी हम लोग ने क्यू वी बी, तो यही है लॉरेंस फोर्स. एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू लॉरेंस फोर्स. कभी कभी अपने मॉक टेस्ट दोगे तो किसी में मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, चार्ज दिया है, वेलोसिटी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, फोर्स निकालो, नेट फोर्स. ऐसा नहीं बोलेगा लॉरेंस फोर्स निकालो, नेट फोर्स निकालो. तो आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है, वी भी दिया है, ये भी दिया है, तो क्या आएगा, लॉरेंस फोर्स आएगा इन मोशन. ओके नेक्स्ट की बात करेगा हम लोग कि अभी एक आता है साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन एक आता है. साइक्लोट्रॉन में सेम लाइक दिस, किसके जैसा, जब जो हम लोग ने सर्कुलर मोशन के लिए देखा था, सेम सेम फॉर्मूलाज एप्लीकेबल होंगे. साइक्लोट्रॉन क्या होता है, ऐसा कुछ डिवाइस होता है जिसके बीच में हम लोग, ये जो डिस्क होता है इसके बीच में हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐसा छोड़ते हैं. साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये याद रखना, चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स पे वो एक्ट नहीं करता, चार्ज पार्टिकल्स पे एक्ट करेगा. तो ये 2D में इसको इस तरफ बहुत हाई पोल है, हाई मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, और हम लोग ने इसको परपेंडिकुलर वेलोसिटी में छोड़ा रहता है. तो ये ऐसे घूम घूम के विथ हाई वेलोसिटी एग्जिट कर देता है, ठीक है. तो एक्सेलरेट चार्ज्ड पार्टिकल्स, सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स के लिए है, ओनली चार्ज्ड, सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स के लिए. तो आर हो जाएगा एम बी बाई क्यू बी, सेम, क्योंकि सर्कुलर मोशन ही कर रहा है. ओके अगर आपको रेडियस मैक्स, सॉरी हाँ ये हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्यू बी आर बाई एम, जो ऊपर देखा था. टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, अभी इसमें दो टाइम पीरियड आते हैं. एक टाइम पीरियड पूछा जाता है कि समझो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डिस्क है, हम लोग ने इसको इलेक्ट्रॉन को इधर से थ्रो किया एट वेलोसिटी वी, तो ये ऐसा 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 घूमेगा. तो एक हाफ ट्रैवल करने के लिए क्या टाइम पीरियड लगा, एक सर्कल ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगा. तो हमें सर्कल का पूरा पता है, 2 पाई एम बाई क्यू बी, जो ऊपर डिराइव करके आए हम लोग, ये पूरे पूरे सर्कल का टाइम पीरियड है. तो ये हाफ करने के लिए इसका हाफ लग जाएगा, विच इज पाई एम बाई क्यू बी, ठीक है ये याद रखना. और ये कैपिटल टी इज ट्वाइस ऑफ दिस टी, ये भी ये हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी अगेन क्यू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू एम, ये तो मैंने डिराइव करके बताया था ऊपर. वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, अब देखो क्योंकि ये अलग अलग रेडियाई पे घूम रहा है, कभी इधर रेडियाई, ये रेडियाई, ये रेडियाई, ये रेडियाई,
ऐसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो दोनों कब मैक्सिमम होगा? जब वेलोसिटी मैक्स होगा तभी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्स होगा। तो मेरे हिसाब से वेलोसिटी किधर मैक्स होना चाहिए? अगर मैं लॉजिकली सोचूँ तो सबसे बाहर जो ये सरफेस है सर्कल का, जब इलेक्ट्रॉन घूम घूम के जब तक इधर आ जाएगा, आर मैक्स है ये, इसके बाद तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं तो घूमेगा ही नहीं, डायरेक्ट बाहर छोड़ देगा एक्सेलरेटेड करके। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो रेडियस कितना हो सकता है? रेडियस मैक्स, ये हो गया रेडियस मैक्स इंटू रेडियस मैक्स। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? जब भी डिस्क का रेडियस के पेरिफेरी घूमेगा, तो एकदम लास्ट में। ओके ये हो गया फॉर समथिंग लाइक दिस। ये हो गया यहाँ पे साइक्लोट्रॉन और मोशन ऑफ चार्ज का।